आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई। संसद के बजट सत्र का गुरुवार को तीसरा दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर दिया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही है उसे सदन में उठाना है, इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों की मेहनत का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का विश्वास बैंक और LIC से उठ जाएगा, कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ED और CBI को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो वो भी कई बिजनेसमैन की तरह देश से भाग जाएंगे और देश के करोड़ों लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अपने कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए BJP बैंक और LIC के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष दोनों सदनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के स्टॉक क्रैश होने का मुद्दा लगातार उठाएगा। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 फॉर 2 फरवरी 2023 I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business. देखिए, अडानी के झूठ और फ्रॉड का जो पहाड़ है वो ताश के महल की तरह धीरे धीरे गिर रहा है, और जब वो ताश के महल की तरह गिर रहा है तो इस देश के करोड़ों निवेशकों के मन में चिंता है। जिन लोगों ने अपना पैसा LIC में लगा रखा है, जिन लोगों ने अपना पैसा SBI में लगा रखा है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ के लोन SBI और LIC ने अडानी को दे रखा है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आके लोगों की चिंता दूर करनी चाहिए। भारत की वित्त मंत्री को सामने आकर ये बताना चाहिए कि RBI क्या कर रही है, SEBI क्या कर रही है, ED क्या कर रही है, जो फॉलो इन पब्लिक ऑफिसर FPO उनकी, और जिस तरह से ये तहलका मच गया, जिस तरह से हिंडनबर्ग ने अपना ये प्रसिद्ध किया और उसको उसका एक्सप्लेनेशन देते देते, क्योंकि ये इतना मामला सेंसिटिव होता है कि जहाँ पे जनता निवेश करती है, जनता का एक अपना विश्वास रहता है और सिक्योरिटीज और इक्विटी कैपिटल मार्केट में ये बहुत ही सेंसिटिव इशू कहा जाता है, और अडानी ग्रुप ने मेरे ख्याल से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लोगों का पैसा जो सुरक्षित, भाई अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, ना कोई चोरी कर सकता, ना डकैती डाल सकता है, अब वहीं नहीं पैसा वहीं चला जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं है बैंक की, आपका करोड़ों रुपया जमा हो 1 लाख दे सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, तो दहशत हो गई है। आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली यहाँ नहीं मालूम अभी पड़ता है, जो बाहर के जिले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा, स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनकी सब पैसे ही नहीं है, दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई, ये स्थिति हो गई, मैनेजर्स क्या करें। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूरे मामले पर सरकार का रुख रखा। अभी
प्रश्न है, सदन सुचारू रूप से चलाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया बजट कल प्रस्तुत हुआ है, तो उसके बारे में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए। और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। इस बीच कांग्रेस ने अडानी मामले पर 6 फरवरी को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। वे इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज यूजिंग द कॉमन पीपल मनी द पब्लिक एक्सपेक्टर फॉर सपोर्टिंग देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन दिस वे इज क्वाइटली कंडमनेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। The Congress Party is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. इस बीच सूत्रों की माने तो RBI ने सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए गए कर्ज की जानकारी की मांग की है। शेयर मार्केट में भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखी गई। इससे पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही थी। बुधवार को अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 26.70% से गिरकर 21.75% पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही FPO वापस लेने की वजह मानी जा रही है। गौतम अडानी ने FPO रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया, इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। मेरे लिए निवेशकों का हित सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने FPO वापस ले लिया है। बोर्ड ने महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। हमारे इस फैसले से हमारे मौजूदा ऑप्शंस और भविष्य की हमारी योजनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस रखना जारी रखेंगे और हमारी ग्रोथ आंतरिक संसाधनों से मैनेज की जाएगी। जैसे ही बाजार स्थिर होगा हमारी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी का रिव्यू करेंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का FPO 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 31 जनवरी को बंद हुआ था। इसका प्राइस बैंड 3,112 रुपए से 3,276 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। कंपनी ने पैसों से मौजूदा कर्ज को कम करने के साथ एक्सपेंशन के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है। अडानी ग्रुप के शेयरों में LIC का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट 81,068 करोड़ रुपए था, जो 27 जनवरी को गिरकर 62,621 करोड़ रुपए रह गया है। इस हिसाब से LIC को 2 ट्रेडिंग सेशन में करीब 18,646 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को लेकर आपको बता दें कि आज संसद में जमकर हंगामा हुआ और पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन और जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाता रहा। यही वजह रही कि पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब सवाल ऐसे में ये है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है और क्या मांग विपक्ष की है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अडानी ग्रुप अगर डिफॉल्ट घोषित हो जाता है तो उसके बाद बैंकों पर कितना असर पड़ेगा, देश पर कितना असर पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका शबनम जी। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ अश्वनी राणा जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और अमन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, निदेशक है IIF के। बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं रविंद्र प्रताप सिंह जी आपसे करती हूँ। रविंद्र जी, क्या वजह आज भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई? क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस मांगों को लेकर आप लोग लगातार इस बात को उठाए जा रहे हैं और आज सदन की कार्यवाही आप लोगों ने नहीं चलने दी? सर्वप्रथम तो मांग है, जो सरकार ने बजट जारी किया है वह ग्राह्य नहीं है, ना विपक्ष को ग्राह्य है और ना भारत की जनता को ग्राह्य है। उसके कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश पे 620 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। साधारण भाषा में समझें तो भारत के हर नागरिक के ऊपर लगभग लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज है। इसमें से 80% कर्ज जो है वो लॉन्ग टर्म है, 20% शॉर्ट टर्म है, जिसकी पहली देनदारी इसी साल में है। उसको सरकार कैसे देगी कुछ बता नहीं पाई। फिर उसके बाद सरकार कहती है 80 करोड़ जनता को जीवन यापन के लिए 5 किलो सरकारी अनाज दे रहे हैं। तो इस 80 करोड़ जनता का उत्थान मांग बताइए ना सर, आज क्या मांग थी आप लोगों की? किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ और अब सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम यही तो मांग कर रहे हैं जो बता रहे हैं आपसे, कि 80 करोड़ जनता, आप कह रहे हो कि 5 किलो उसके बाद खाने के लिए राशन नहीं है, तो इनका उत्थान कैसे करेंगे आप? फिर देश में 27 करोड़ युवा हैं, आपने जो बजट जारी किया था उसमें 27 करोड़ जो जनसंख्या है युवाओं की, उनके लिए कुछ भी कुछ आपने नहीं किया। आप मुझे अडानी की तरफ खाली मत ले जा रहे। अडानी तो एक छोटा सा बिंदु है। अभी जो कुछ भी अखबारों के माध्यम से आ रहा है, टीवी के माध्यम से आ रहा है, उसमें नुकसान अडानी का कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें नुकसान केवल जनता का हुआ है। तभी आप उस तरफ मत ले जाइए मुझे, क्योंकि जो पैसे डूबे हैं निवेशकों के डूबे हैं, अभी तक तो ना सरकार का डूबा है ना LIC का डूबा है। तो निवेशकों के पैसे डूबे हैं शबनम जी, और उसका जिम्मेदार कौन है, ऐसे ही समझने वाली बात है। अगर आप अडानी की तरफ ले जाना चाहती हो तो मैं उस पर बोलना शुरू कर दूं। ठीक है, शबनम जी को बोलने दीजिए, अभी मैं आती हूँ। शबनम जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अमन जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों को भी हम रुख करेंगे। अमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो अभी सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है अडानी ग्रुप की, वो क्या बताती है, क्या दर्शाती है? देखिए जी, अडानी ग्रुप का जो ये SPO आया, जो उन्होंने वापस करने की बात करी है, पहली बात तो जो ये रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इसी समय क्यों आई है जब हिंदुस्तान का बजट आ रहा था और अडानी का ये शेयर आ रहा था, ये सोचने की बात है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट का तथ्य कितना है, इसमें कितना सच्चावर है, नहीं है, क्या चीज है, उसको पुष्टि करने वाला कोई एजेंसी नहीं है। ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वर्ल्ड में रेप्यूटेड बहुत ज्यादा है और इसलिए जो है इसको हम जो बात कही गई है उसको हम उसी तरीके से माने। इन्वेस्टिगेट करना, चाहे वो SEBI हो या और रेगुलेटरी बॉडीज हो, उनको जरूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे आती है उसको देखना, समझना, देखना जरूरी है, जैसे मीडिया भी कर रहा है। बट इसके अंदर इतना ज्यादा डूबना जरूरी नहीं है, बिकॉज अडानी की जो कंपनी है, एक कंपनी है हजारों कंपनियों के अंदर जो हिंदुस्तान की शेयर मार्केट में और हिंदुस्तान में परफॉर्म कर रही है, जो इससे भी बड़ी बड़े इनके जो है IPOs हैं और हैं। तो इसलिए ये कहना कि इनकी कंपनी से सारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट की अर्थव्यवस्था या किसी और की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, मेरे विचार में गलत धारणा है। दूसरा, ये जो आज अडानी जी ने कहा कि हम वापिस कर रहे हैं, उससे देखिए जो जिसने निवेश जितना किया है, जितना पैसा लगाया है, वो उनको पैसा वापिस वो दे रहे हैं। उसकी जो नेटवर्थ है आज की डेट में वो इतनी है कि ऐसे से डबल ट्रिपल भी पैसा वो वापिस करना हो तो वापिस कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति वाली जनक वाली बात नहीं है कहीं पे भी। तो इसलिए ये कहना कि एक इन्वेस्टर का पैसा लूट गया या LIC का पैसा लूट गया या SBI का पैसा लूट गया, ये गलत धारणा है, लोगों को नहीं बांटनी चाहिए बिल्कुल भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। जब एक
आया है आईपीओ, अगर वो बंद हो गया, अगर सपोज ये सब्सक्राइब नहीं होता तो भी तो चक्कर चांसेस होते हैं कि वापस होते हैं आईपीओ से, बहुत सारे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं होते वापस किए जाते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो उसमें कुछ पैसा वापस किया जाता है, नहीं तो सेबी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमें अलाउंस किया जाए कि उस पैसे को रख के हम, तो दोनों तरीके की चीजें पहले भी हिंदुस्तान में होती आई है, तो इसलिए इससे इतने घबराने की बात नहीं है। जरूर सेंटीमेंट्स थोड़े धक्का खाते हैं, इन्वेस्टर के भी सेंटीमेंट धक्का खाते हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स में भी थोड़ा आता है और मार्केट में भी थोड़ा उछाल जुलाव होता है, क्योंकि वो भी लोगों के सेंटीमेंट से ही चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें अटकलें लगती हैं, कोई क्लैरिटी नहीं, बिकॉज एक स्टेटमेंट देके उन्होंने वापस कर दिया, ऐसा क्यों किया गया, जब पूरा सब्सक्राइब हो गया था तभी क्यों, पूरे से ज्यादा सब्सक्राइब था फिर भी क्यों किया, ऐसा हो सकता है उनको उम्मीद हो वो डबल ट्रिपल होता अगर ये रिपोर्ट नहीं आई होती, पहले भी हमने कंपनियों में देखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां डबल ट्रिपल सब्सक्राइब हुआ है, तो हो सकता है उनको उम्मीद से कम उनको मिली हो चीजें, और ऐसा नहीं है कि इनको सिक्योरिटी बफर नहीं था, इनके पास अलग अलग देशों से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के मर्चेंट बैंकर्स के कमिटमेंट थे कि अगर ये इश्यू सब्सक्राइब नहीं होता तो हम आपका पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, जो सारी जब इश्यूज निकाले जाते हैं तो उसमें किया जाता है ये, तो वो सिक्योरिटी फैक्टर उनके पास था, तो ये सोचना कि सब कुछ हिल गया कुछ हो गया मेरे विचार में। ठीक है अमन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात को उठाया अभी अमन जी ने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय होती है या भी हो सकती है, कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है, कितनी सटीक हो सकती है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है सर? नहीं, अमन जी ने बिल्कुल ठीक किया, कहा है कि कोई ऑथेंटिकेटेड एजेंसी नहीं है। आप देखिए देश में भी हमारे दुनिया भर की ऑडिट एजेंसीज हैं, वर्ल्ड की ऑडिट एजेंसीज हैं जो भी ऑडिट करती हैं, और बैंकों ने या इंश्योरेंस ने जो लोन दिए अडानी के ग्रुप को या अडानी कंपनियों को वो कुछ देख कर दिया होगा, कोई ऐसा नहीं है कि उनको अडानी के नाम पर उनको लोन ऐसा बांट दिया है, बैंक भी उसके लिए पूरा जो है अपना होमवर्क करती है कि भाई उसकी कितनी वर्थ है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। और अमन जी ने जैसे कहा कि वही बात है कि ये इसी टाइम पर क्यों, कि उधर से देश का बजट आ रहा है, उधर से उनका एफपीओ आ रहा है, ऐसे समय में एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो लोग नहीं चाहते कि देश की आर्थिक प्रगति हो, और प्रगति के अंदर अडानी ग्रुप जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो काम सरकार नहीं कर सकती या बाकी और हाउसेस नहीं कर सकते, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काम कर रहे हैं, कोई वो ये नहीं कि वो सिर्फ शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। और ये जो कंपनी है इंडसबर्ग, ये खुद इस प्रकार के धंधे में रहती है कि पहले शेयर मार्केट में शेयर को गिराओ और उसके बाद उसकी उसी में पैसा लगा दो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऐसी एजेंसियों के ऊपर और पूरी ये एक पूरा फोकस है, एक पहले बीबीसी के रिपोर्ट आती है प्रधानमंत्री के लिए, फिर इस प्रकार से आती है, तो ये एक साल तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन देश आगे प्रगति करेगा इन चीजों का ये। और शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से चलती है कि कुछ भी मान लो कि कोई एक भविष्यवाणी हो जाए कि कल कहीं अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ आ सकता है, या तो शेयर मार्केट सारी सेंटीमेंट पे काम करती है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है छोटे वो ये देखकर शेयर में नहीं घुसते, वो देखते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रही है लगा दो, जिसमें पैसा जब वो लगा रहे होते हैं तो उस समय में तो उन्होंने कुछ स्टडी की होगी। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए बैंकों पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकों ने लोन दे रखा है, हालांकि एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, एसबीआई ने बहुत लोन नहीं दे रखा, लेकिन ये तो सिर्फ जनता को संतुष्ट करने वाली बात है और ये बताने वाली बात है कि देखिए आपका पैसा सिक्योर है। बैंकों ने लोन दे रखा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बैंकों पर कितना असर पड़ेगा अगर ये डिफॉल्ट घोषित हो जाते हैं तो? नहीं नहीं, देखिए ऐसा डिफॉल्टर एकदम से घोषित नहीं हो जाती। धीरू भाई अंबानी की कंपनी में जब उन्होंने शुरू किया था उनके साथ भी खेल ऐसे ही खेला गया था, उनके शेयर को भी नीचे गिराया गया था। आज धीरू भाई रिलायंस कंपनी कहाँ पर है? तो हमें ये समझना चाहिए, ये जो लोग इस तरह से पूरी साजिश करते हैं सारा करते हैं, अभी ये सारी चीजें सामने आएंगी, आप देखते जाइए, थोड़े समय में जब सरकार इसकी पूरी इंक्वायरी करेगी भाई किस प्रकार से हो रहा है, तो सारी चीजें जनता के सामने आएंगी। बस यही है कि सेंटीमेंट के कारण जनता को एकदम से घबराने या उस पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने शेयर मार्केट में कमाया है तो आप उसके अंदर थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। ठीक है, क्यों धैर्य नहीं है,
कैप्टन अभिमन्यु जी, माफ कीजिएगा अभिमन्यु त्यागी जी, क्यों आप लोगों को धैर्य नहीं है? नेहा जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे बहुत उम्मीद थी कि हमारी बहन दीदी शबनम पांडे जी से थोड़ी बहुत चर्चा होगी, पर शायद उनको कोई जरूरी काम लगता है। मुझे देखिए क्या बात है, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं हम दो हमारे दो, तो वो हम दो जो है वो है मोदी जी और अमित शाह जी, और हमारे दो कौन है सब लोग जानते हैं, अंबानी और अडानी। इसके अलावा पूंजीपतियों का कोई विरोधी थोड़ी ना है। जिस तरह नहीं, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये तय कर दिया जाए कि भाई अडानी ने ये छल किया, ये कपट कर लिया, या फिर इतना लोन ले लिया, या जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो दोषी करार है? ऐसा तो नहीं होता ना, उसमें भी जांच की बात की जा रही है। जो नेहा जी जो इन्वेस्टर हैं, मैं अपने जो पिछले जो हमारे साथी बोल लेते वो चले गए हैं, क्या उनको लगता है या किसी को लगता है कि इन्वेस्टर मूर्ख है? वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? ये भी तो एक कारण है, कारण ये है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है कि किस तरह से ओवर रेट करके 42% शेयर को ऊपर ले गए, और किस तरह से लगभग 80,000 करोड़ का जो ऋण लिया है इन्होंने नेशनलाइज बैंक से, जिसमें 30% तो है सरकारी बैंक, 8% प्राइवेट बैंक है। इस तरह से LIC से और SBI से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां के जो खाता धारक है उनका पैसा जमा हुआ है, तो ये सब सवाल ये भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है ये। और कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है, वो मांग कर रही है कि एक JPC की संयुक्त संसदीय कमेटी की एक कमेटी गठित की जाए, वो जांच करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदर की मेजबानी में कमेटी गठित की जाए और वो कमेटी रोज रिपोर्ट दे। उसके अलावा LIC SBI जैसे तमाम जो इसके अलावा जो तमाम बैंक है नेशनलाइज, वो बताएं कि उनका कितने इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से, क्यों दिया गया, किस कारण से इसमें अडानी कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया गया, सरकार ने दबाव बनाया क्या है, ये जांच का विषय है, जांच का सामने आ जाना चाहिए। और जहां तक सवाल उठने की बात है तो देखिए सवाल तो उठेगा ही, और अगर सच्चाई ना होती तो ऐसे ये गिरते नहीं। एक छोटी सी कंपनी है हिंडनबर्ग की, और वो जो कंपनी है वही एक सवाल है ना कि उसकी रिपोर्ट कितनी, उसकी रिपोर्ट पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? अभिमन्यु जी ये भी तो बताइए, आप कह रहे हैं कि जांच का विषय है। इन मोदी साहब को हमारे प्रधानमंत्री जी है, जब चीफ मिनिस्टर थे तब से इनकी दोस्ती है, इन्होंने पूरा जीवन इन्हें दिया, आज जब उन्हें जरूरत है अडानी जी को तो चुप है मोदी जी। अब उनकी दोस्ती जो है उस पर भी सवाल या निशान है, उन्हें कम से कम कुछ बोलना चाहिए और दोस्ती से या तो भागे ना। अब वो बताएं सबके सामने आकर कि क्या मामला है, दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाना चाहिए। अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल तो देखिए लाजमी है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। सवाल उठ रहे हैं और जवाब हम राजेश सिंह जी से लेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता है। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका, लेकिन मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ अर्थशास्त्र भी जुड़े हुए हैं अश्वनी राणा जी। अश्वनी जी अब सवाल ये भी है कि देखिए कह रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को, इसलिए सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल ये उठ रहे क्या लाजमी है, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए ताकि वो विदेश यात्रा पे ना जा सके, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी हैं जो कि पैसा लेके भाग गए, तो अब गौतम अडानी यहां से ना जाएं, इसके लिए पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया जाए। अब ऐसे में ये इसकी कितनी संभावना है कि जो बैंक है उन पे असर होगा या निवेशकों का पैसा डूब सकता है? कह रहे निवेशक जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। देखिए अगर उसको भागना होता तो कल जो FPO उन्होंने उनका ओवरसब्सक्राइब हुआ उसको वो वापिस नहीं करते, वो पैसा भी वो लेकर भाग सकते थे। तो ऐसा तो कोई भागने वाला काम नहीं है, कोई वो उनका सिर्फ एक धंधा नहीं है, जो किंग फिशर नहीं है जो एयरलाइन चला रहा था, इनके सैकड़ों जो तो कंपनियां हैं वो सिर्फ देश में नहीं है, विदेशों में उनके पोर्ट चल रहे हैं, विदेशी बैंकों ने विदेशी सरकारों के साथ उनके समझौते हैं। ये सरकार मोदी सरकार सिर्फ अडानी को सपोर्ट नहीं करती, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे आकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं उन सबको बैंक दे रहे हैं।
तो क्या अडानी आज ही पैदा हो गया क्या? अडानी 40 साल से काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि बैंकों ने इतना लोन अगर दिया तो ये कैसे दे दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बैंक कोई रेवड़ियां नहीं बांटते कि भाई आप आओ और आपको एक चेक देते हैं। तो बैंक जी है वो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी देखी जाती है, पूरा प्रोजेक्ट समझा जाता है, उसका ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट होती है, सब कुछ होता है। इससे पहले भी सर, इससे पहले भी बैंकों ने लोन दिया और वो पहले जब बैंकों ने लोन दिए गए यूपीए सरकार के समय पर वो पर्टिकुलर लोगों को ओबलाइज करने के लिए दिए गए और वही डूबे हैं आज। सर आपके आपके मैं डिबेट को पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हाँ। लेकिन ये जो इतना आज हल्ला मचा रहे हैं कि अपना समय भूल गए कि अपने समय में इन्होंने क्या किया है बैंकों के साथ। मैं खुद बैंक में काम करता रहा हूँ, मुझे पता है बैंकों में किस प्रकार फोन बैंकिंग होती थी। तो ये जो आज पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, अरे मैंने बता दिया आपको, एक साल तक ऐसे ही चलेगा, ये कोई ना कोई चीज लाकर और देश में जो है जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई धंधा किया जाएगा इनके द्वारा। जवाब दीजिए जल्दी से अभिमन्यु जी। देखिए मैं राणा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोरोना लॉकडाउन से पहले 106 खरब पति थे देश में, कोरोना लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी थी, 166 हो गए, ये क्या नीति हुई? भारत में 40 करोड़ गरीब थे कांग्रेस की सरकार तक, आज खुद मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, ये क्या नीति है इनकी? नहीं उस पे आइए ना, ये कह रहे हैं देखिए लोन अगर दिया गया पहले जो भागे, आपको क्या लगता है मोदी सरकार में भाग जाएंगे? और कह रहे हैं लोन तो आप लोगों के टाइम पे सेंक्शन हुआ था ना उनका, भागे हैं वो इनकी सरकार में भागे हैं। नहीं तो लोन कब मिला था, किस आधार पे मिला था? गृह राज्य से है, चाहे छोटा मोदी हो चाहे बड़ा मोदी हो चाहे किंगफिशर वाले, ये सब वहीं से भागे हैं। आप उनका वीजा कैंसिल कर पकड़ के क्यों नहीं लाए आज तक? ये टैक्स सेविंग की बात करते थे मोदी जी, भाषण वाले बात करते हैं बहुत चिंगार चिंगार के, कहते थे ब्लैक मनी लाएंगे। अरे खुद इस पे आरोप लगा है अडानी पर, इसने टैक्स सेविंग बना दिया अपने रिश्तेदारों तक के नाम से कंपनी बनाकर, छोटे छोटे दीपों तक पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। राजेश जी ब्लैक मनी क्या होती है? राजेश जी सारे भगोड़ों को भगा रहे हैं आप लोग, सबको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये आरोप लग रहा है, और यही आरोप आज संसद में भी लगा, इसलिए हंगामे की भेंट चढ़ गई संसद। नहीं होने देना चाहते संसद, सुन लेते बर्खास्त कर देते। ठीक है ठीक है, सीधे सीधे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं, पहले लोन दिलवाते हैं फिर भगा देते हैं, उसके बाद इन्हीं को पालने पोसने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है देश में अडानी अंबानी, देश में अडानी अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पाल रहे हैं, तो ये तो आरोप आप लोगों पे लगते रहे हैं, आज कह रहे हैं इसका खुलासा भी हो गया। देखिए नेहा जी, हमारी आवाज आ रही है? नेहा जी हाँ आवाज आ रही है। देखिए नेहा जी, ये कांग्रेस की तो पुरानी आदत है, ये तो खुद गलती करेंगे और देश के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करेंगे, और जब ये जानते हैं कि अब हमारी सरकार जाने वाली है तो ये ऐसे ही लोगों को खुद लोन दे। अभी बताइए कि अंबानी जी क्या ये मोदी सरकार में अमीर बने क्या? उसके पहले अंबानी जी क्या रोडपति थे क्या? तो बने हैं। अरे भाई तू कर्जा किन्होंने दिया, कर्जा किसने दिया अंबानी को? संस्थान दे दिए देश के, एयरपोर्ट दे दिए, कर्जा किसने दिया? राजेश जी देखिए नेहा जी आप अपनी बारी देखिए नेहा जी नेहा जी हम इस पे कभी बात नहीं करते कि हम क्या करेंगे। नहीं तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो भी कांग्रेस ने बना दी क्या, ये बताइए ना? अरे, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो भी कांग्रेस ने बना दी क्या? अरे नेहा जी ये बताइए कि अंबानी जी हमारे समय में बने क्या अरबपति? भाई अंबानी जी को इतना बड़ा आदमी किसने बनाया? धीरू भाई अंबानी जी को इतना बड़ा आदमी किसने बनाया? ये तो कहते हैं मोदी ने बनाया, ये तो कहते हैं मोदी ने बनाया। अरे अरे नेहा जी वही कारण है ना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि एक रुपए जब केंद्र की सरकार से चलती है तो जमीन पे 15 पैसे पहुंचते थे, तो ये जो 85% जो घपला होता था ये यही की वजह से होता है, यही लोग करते थे ना, ये लोग अपने लोगों को इतना बड़ा आदमी बनाते थे, अमीर और गरीब की जो खाई थी उसको बढ़ाते चले गए। अरे भाई ऐसे ही थोड़ी सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचार, तो ये कह रहे हैं ना ये अमीर और गरीब की खाई को और ज्यादा गहरा करने का
हराम तो आप लोगों की सरकार कर रही है। कह रहे हैं सब बैंकों से लोन ले रखा है, जो निवेशक है उनका पैसा जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति लेके भाग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अडानी लेके ना भाग जाए इसलिए उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाए। करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, करवाएगी? नहीं नेहा जी, हम देखिए तथ्य पे बात करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी सरकार जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछले 8 सालों में जो काम हुआ है मैं उस पर बात करूंगा कि 32 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था, 37 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 लाख करोड़ अधिक खर्च हुए। एक बात, दूसरी बात देखिए, भारत सरकार को जो पैसा मिलता है नेहा जी वो कहाँ से आता है? 15% जो है इनकम टैक्स से आता है, 16% जीएसटी से आता है, 15% जो वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, बाकी 7% एक्साइज से आता है, 5% कस्टम ड्यूटी से आता है, 5% अदर जो सोर्सेज होते हैं, और 5% जो है और जो भारत सरकार जहाँ पे इन्वेस्ट करती है वहाँ से पैसे आते हैं। वो खर्च कहाँ पे होते हैं, मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ नेहा जी, खर्च कहाँ पे होते हैं, 15% जो केंद्र की योजनाएं चलती है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, 17% जो राज्य सरकारों को दिया जाता है, 10% और भी राज्य सरकारों को फाइनेंस के काने पे दिया जाता है, 4% जो है उसको पेंशन में खर्च होता है, ठीक है ना, ठीक है, सब्सिडी मिलती है। अब जो इनकी मांगे हैं उनका बताइए ना, जो मेन बात वही मैं बताने जाता हूँ, सबसे अधिक जो 20% पैसा है कांग्रेस के जमाने में जो खर्च लिया गया था उसमें इंटरेस्ट में जाता है नेहा जी, सबसे बड़ी मोटी रकम 20% अभी तक जो इन्होंने बर्डन देश की जनता के ऊपर लादा था वो पैसा जाता है 20%, जो कि ये जो भारत सरकार का सबसे बड़ा बर्डन है, ठीक ये कांग्रेस ने किया है, ठीक है। अरे 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 नेहा जी, ठीक है, मैं लौटती हूँ, मैं लौटती हूँ। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रविंद्र जी कभी भी रुक करूंगी, जल्दी से अभिमन्यु जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर रविंद्र जी का रुक करते हैं। आप इन्हें चुप कराएंगे तो मैं, हाँ 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 बिल्कुल। देखिए हमारे जो भाजपा के साथी है, हमारे भाई राजेश जी ने जो आरोप लगाए कांग्रेस पर, तो इन्हें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। अगर वो कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया है तो जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आप क्यों डर रहे हैं? आप तो संसद में चर्चा नहीं होने देते। हमने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बन जाए, आप उसमें चर्चा नहीं होने देते। SBI LIC का कितना पैसा, बैंकों का कितना पैसा क्यों दिया, वो सब सामने आना चाहिए। आपको दिक्कत क्या है? छोटे छोटे मामले पे CBI जांच होती है, CBI की टीम पहुंच जाती है, ED जांच करने पहुंच जाती है, ऐसे लगभग 4,500-5,000 मामले हैं। एक टीम ED की क्यों नहीं बैठी अभी तक? रविंद्र जी, उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया, ठीक है, उनको क्यों नहीं रोका, ठीक है। एक और बात कहना चाहता हूँ आपके, ठीक है, एक और बात कहना चाहता हूँ, ये है दूसरा भारतीय जनता पार्टी क्या करे भाई, रविंद्र जी क्यों जांच नहीं करवाना चाहती भारतीय जनता पार्टी? एक सेकंड रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, कार्रवाई कर देते, ठीक है। देखिए श्री गौतम अदाणी एक व्यापारी हैं, उनके संबंध नरेंद्र मोदी जी से हैं या पहले श्री राजीव गांधी जी से या हमारी सरकार आएगी तो उनसे हो जाएंगे, यह विषय नहीं है। एक व्यापारी सबसे संपर्क बना के चलता है अपना। एक रिपोर्ट आई है, वैश्विक रिपोर्ट आई हुई है हिंडनबर्ग साहब की, उस वैश्विक रिपोर्ट में अमेरिका ने भी विश्वास किया है, संभवता हो सकता है हम ना विश्वास करें, लेकिन अगर हम नहीं विश्वास करेंगे तो जांच तो करा ही सकते हैं। अगर किसी एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए, पोज कंपनियां बनाने के लिए ये आरोप लगे हैं तो ये केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करावे, क्योंकि उससे पहले 6 लोग भाग चुके हैं देश छोड़ के, तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब आते हैं, LIC कहती है कि हमारा 36,500 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है अडानी ने, पंजाब नेशनल बैंक कहती है कि 7,000 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है हमसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि हमसे 21,000 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है। इसी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसी में एक सिटी ग्रुप है वो लोन देता है, तो सिक्योरिटी अडानी की सिक्योरिटी लोन पे उसने लोन देने से मना कर दिया है। तो अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ये जितने बैंक हैं ये सारे PSUs के रूप में हैं, ये भी भारत सरकार का अंग हैं, और वो कह रहे हैं हम वॉच रख रहे हैं इनके ऊपर में, अडानी के ऊपर में, तो जांच कराया जाना ये राष्ट्रहित में है। पार्टी हित, एक पार्टी उसका पक्ष क्यों ले रही है या ये उस पार्टी के ऊपर प्रश्न लगा दे रही है? ठीक है, ठीक है राजेश जी, देखिए सवाल उठ रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए ना।
मैं पांडे जी का उत्तर जल्दी से जवाब दे दीजिए उससे पहले राजेश जी। देखिए उन लोगों का आपस में मुकदमेबाजी का एक दूसरे की धमकी चल रही है, ठीक है सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, वो लोग मुकदमेबाजी करेंगे तो मामला न्यायालय में चले जाएगा, कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा बात है, हम लोग एक जेपीसी की मांग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग अगर एक जेपीसी की मांग कर रहा है, किया जा रहा है एक व्यापारी के विरुद्ध में, हाँ। तो जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उसी पे जवाब ले लेते हैं, जवाब दे दीजिए, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए सर, अगर आपको लगता है हम दोषी नहीं है, हमारी सरकार में नहीं हुआ ये घपला या फिर इस तरह की चीजें, या फिर लोन आपकी सरकार के तहत नहीं दिया गया, तो फिर हो जाने दीजिए ना जांच सर, क्या दिक्कत है? देखिए देखिए नेहा जी, हम किसी भी संवैधानिक संस्था में इंटरफेयर नहीं करते हैं, संवैधानिक संस्था जहाँ पे भी लगता है चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे घपला हुआ है, घोटाला हुआ है या कोई दोषी है, उसके खिलाफ बगाड़ी जांच होता है, और जो भी घपले में पाया जाएगा उसके खिलाफ जांच होगी, ऐसा कौन सा? नहीं तो पहले पाया जाएगा, पाया कैसे जाएगा? अरे वही सबके, देखिए हमने तो हमारे हमारे पार्टी के लोग भी अगर प्रेम के ऊपर आरोप तय होता है, तो आरोप तो लग ही रहे हैं ना सर, अब और कैसे आरोप लगते हैं? अभी आपने कर्नाटक में देखा कि हमारे पार्टी के खुद के खिलाफ जो है आरोप लगना और दोष से दोहरा दोनों अलग चीजें हैं, आरोप तो अडानी पे लग ही रहे हैं ना सर, अगर आरोप लग रहे हैं तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना, अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि देखिए जांच होनी चाहिए, अरे नेहा जी संवैधानिक संस्थाओं के पास कुछ सबूत होना चाहिए, ये संवैधानिक संस्था ऐसा नहीं कि किसी को आप, नहीं तो सर सबूत हो ही जाएंगे तो फिर तो दोषी सिद्ध हो जाएगा ना, आपने बता दिया, अरे सबूत हो जाएंगे तो फिर तो दोष सिद्ध हो जाएगा, ठीक है पांडे जी, पांडे जी बजट एक तरफ पेश हुआ, दूसरी तरफ इस तरह के आरोप लगने लगे और ये रिपोर्ट सामने आ गई, सत्ता पक्ष तो कह रहा है ये ध्यान भटकाने की कोशिश है आप लोगों की, ताकि जनता में ये मैसेज ना जा सके कि देखिए हमने इतना अच्छा इतना शानदार बजट पेश किया, ठीक है ये बजट पे बात चली है, ये सुन लेते हम भटकाने की क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पर इतना बड़ा घपला हुआ है, जहाँ पर इतना बड़ा एक जालसाजी हुई है, देश का पैसा लेके विदेशों में भाग गए हैं, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर हम भागे नहीं है पांडे जी, अभी भागे नहीं है, अभी देश में भाग जाएंगे, इनका कहने का मतलब, अच्छा आप भाग जाएंगे, पहले ही भविष्यवाणी आप कर रहे हैं पांडे जी की, भाग जाएंगे। इनको सब मालूम रहता है, एक का पैसा लेके कौन भागेगा, इनको सब मालूम रहता है नेहा जी, ये सब सब षड्यंत्रकारी है, ये पूरा प्लान देने काम करते हैं, लेकिन चूंकि अब आप लोग आ गए हैं बीच में, पहले मीडिया इतनी अच्छी उठी नहीं, मीडिया सोशल मीडिया था नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, अगर पैसा लगा हुआ है संसद में क्यों नहीं चर्चा होने देते, अरे आप चर्चा क्यों नहीं करने देते हैं, ऐसे नहीं होता ना, अपने अपने वक्त में बोलिए, एक एक करके बोलिए तो अच्छा लगता है सर, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है चर्चा अच्छी करने का, हेल्दी डिबेट करने का, नहीं आपके हिसाब से थोड़ी ना बात होगी ना सर, आप बजट पे बात करना चाहते हैं, विपक्ष नहीं बात करना चाहता, बजट पे आप बात करना चाहते होंगे ना, विपक्ष नहीं बात करना चाहता, विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मसले पर जांच हो, जांच होगी या नहीं होगी इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा, उससे मैं आती हूँ लूंगी जवाब, तीनों एक ही बात पूछ रहे हैं, जांच होगी या नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी जांच करवाएगी या नहीं करवाएगी, इस पे आप स्पष्टीकरण दे दीजिए पहले, फिर डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेहा जी, अब सरकार काम कर रही है, हम काम पे बात करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम जितने का बजट लेकर के आते हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं विकास कार्य पे, तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा तो नहीं है,
पैसा खर्च, बजट, जांच होगी नहीं होगी, जो विपक्ष मांग कर रहा है। फिर मैं इनसे पूछूं ना, अगर ये नहीं होगी तो मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं ना सर, आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे, स्पष्टीकरण तो दीजिए, नहीं करवाएंगे बोल दीजिए, नहीं करवाएंगे। उसी पे आ रहा हूँ नेहा जी, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं हम लोग कोई सफाई महोत्सव थोड़ी मनाते हैं। हम लोग तो दिन रात जग करके जनता के लिए काम करते हैं, तो हम तो पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं कि 8 साल में हमने क्या किया। तो उससे आप भागने लगते हो, क्योंकि आपको विकास पे तो बहस करनी नहीं है, आपको मुद्दे पे बहस करनी नहीं है। जब देश में बजट आता है, गरीब जनता के लिए काम होता है, उनके विकास के लिए काम होता है, किसानों के लिए काम होता है, तो युवाओं के लिए काम होता है, तो आप खत मुद्दे को चेंज कर देते हो। आप ऐसा मुद्दा उठाकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, व्यर्थ नहीं होता है निराकरण। अच्छा नहीं, 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 मैं आपसे आपसे सवाल कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। जांच होगी या नहीं, मैं होगी तो बता दीजिए, होगी विपक्ष की मांगों को सुना जाएगा, नहीं होगी तो बता दीजिए नहीं होगी, तो मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊँ ना उस हिसाब से। मैं सवाल का जवाब तो मुझे जनता भी समझ जाए, विपक्ष भी समझ जाए सर। नेहा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं आ रहे ना सर आप उस पे, इतना वक्त थोड़ी ना है, मुझे सबको सवाल पूछना है सबसे। पति जिनको इन्होंने बनाया, जिनको इन्होंने जिसको कर्जा दिया, बैंकों को जिन्होंने कंगाल कर दिया, आज वो प्रश्न उठाते हैं। जांच करवा लीजिए ना सर, पता चल जाए यूपीए सरकार में पैसा दिया गया। कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। जवाब नहीं देंगे आप, नहीं देंगे आप जवाब। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अभिमन्यु जी देखिए, जवाब तो मिला नहीं, और इससे ये भी तय हो गया कि जांच होने वाली नहीं, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? संसद में ऐसे ही हंगामा काटते रहेंगे, ऐसे ही सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी, स्थगित होती रहेगी क्या? नेहा जी बात ये नहीं है, दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो भी पहले बात रखी है, चाहे जो तीन जो कृषि कानून है, जिन्हें किसान काले कृषि कानून कहता है, इन्होंने कहा उसमें संशोधन करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उस पर बात रखने के लिए सदन पे तो इन्होंने मौका नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कहा जो चीन की अतिक्रमणकारी नीति है उस पर चर्चा हो, इन्होंने कभी चर्चा नहीं होने दी। आज ये कह रहे हैं कि हम इस पर भी चर्चा ना करें, और कह रहे हैं कांग्रेस डिस्टर्ब कर रही है, तो डिस्टर्ब तो ये लोग कर रहे हैं। आप चर्चा क्यों नहीं, अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? अब ये हंगामा कल भी रहेगा, ये हंगामा कल भी रहेगा, लोग कर रहे हैं, ये हमारी बात नहीं सुनने देते, संसद को भंग कर देते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि एक बार चर्चा तो हो कि जो ये बैंकों का निवेश अडानी ग्रुप में हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये किस लिए हुआ और किसके आदेश से ये जो हुआ है। देखिए मैं बजट सत्र पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ एक बार राजेश जी को, शिक्षा स्वास्थ्य में जो कटौती करी है, ठीक है, बजट पे अभी मैं बात नहीं कर रही, बजट पे बात नहीं हो रही, बजट पे बात नहीं हो रही रविंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ रविंद्र जी। हर जगह कटौती हो रही है, कहीं बजट की कटौती हो रही है ना सर, यहाँ जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप भी नहीं दे रहे ना, क्या होगा अगला कदम मुझे बताइए ना। 6 तारीख को आप लोग बता रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे, सब दफ्तरों के बाहर विरोध होगा और जनता को बताया जाएगा, कांग्रेस पूर्ण तौर पर सबको करेगी, जनता को जानकारी होनी चाहिए कैसे उनका पैसा उनकी जेब से निकालकर अदानी की जेब में डाल दिया गया, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए और इस पर सवाल उठना लाजमी है। इनको इनको देश से कुछ भी लेना देना नहीं है, केंद्र प्रकरण और अरे आप तो आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों की तरफ खड़े थे राजेश जी, ठीक है ठीक है, आपके लोग थे रविंद्र जी की तरफ खड़े, रविंद्र जी 6 तारीख को कांग्रेस, ठीक है ठीक है, इसको लेकर 6 तारीख को कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी, समाजवादी पार्टी भी साथ देगी क्या? देखिए हम हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जिससे भारत देश को फायदा होता है। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय को देख लिया कि अडानी पे हाना कहने के लिए भी तैयार नहीं है, यही हालत संसद में भी है। शक इसलिए और गहरा जाता है क्योंकि जनता की पीड़ा है, जनता के अरबों रुपए डूब गए हैं, अडानी का इसमें 1 रुपया भी नहीं डूबा है, जनता के अरबों रुपए डूब गए हैं। इससे पहले 3 बड़ी घटनाएं घटी हुई हैं जिसमें सरकार ने जांच नहीं होने दिया है। एक तो अडानी के पोर्ट पे नारकोटिक्स पकड़ा गया था भारी मात्रा में, सरकार ने जांच होने नहीं दिया। दूसरा एक आरोप लगा अडानी के ऊपर पे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय सीधे फोन करके श्रीलंका पे दबाव बना रहे हैं कि इनको पावर जनरेशन का जो है इंडस्ट्री दे दिया जाए। तीसरा
जबरदस्ती राज्यों के ऊपर दबाव बनाए गए कि जो अडानी विदेश से कोयला खरीद रहे हैं उसको खरीदिए, जबकि कोयले के दाम में इतना भारी अंतर है कि हमारा जो देसी कोयला है और सर्वाधिक हमारे पास है वो 5,000 रुपए टन है, लेकिन जब हम अडानी से खरीदेंगे तो 25,000 रुपए टन है। ये चीज कांड जो है बताते हैं कि केंद्र सरकार के मुखिया मजबूती से अडानी के पक्ष में खड़े हैं। प्रवक्ता कैसे बोलेंगे जब ये तीन घटनाएं उनको भी मालूम होंगी। अब रही बात कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका सीधा उत्तर देना भी जरूरी है, घुमाने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी आते हैं, कोई भी आता है, अगर अडानी के पक्ष में रिपोर्ट हो सकता फर्जी हो हिंडनबर्ग की, तो उसको बताया जाना चाहिए पूरे विश्व को कि हिंडनबर्ग कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन जो करेगी, रिपोर्ट देती है जो प्रदर्शन करेगी 6 तारीख को, उसमें समाजवादी पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने आज का अगर आपने बाइट देखी होगी तो उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस जांच के पक्ष में खड़ी हुई है, और जो भी इस जांच के पक्ष में एजिटेशन होंगे प्रदर्शन में जाएंगे आप, मतलब प्रदर्शन में जाएंगे आप, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है पांडे जी, टीएमसी का क्या रुख रहेगा? जी हमारा भी रुख भी रहेगा, हम प्रदर्शन के साथ आएंगे। प्रदर्शन में जाएंगे आप लोग, ठीक है। राजेश जी यहाँ पे तो भारत जोड़ो यात्रा में भले ही एकजुटता दिखाई दे या ना दे, यहाँ एकजुटता दिखाई दे रही है, यह आप लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है क्या? नहीं देखिए नेहा जी, भारत की जनता भाजपा के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ एकजुटता है। भारत की जनता भाजपा के साथ है और भाजपा की जमीन से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के विधायक तक, सब भारत की जनता से जुड़े हुए हैं और भारत की जनता बीजेपी के लोगों से जुड़ी है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका जनता तो ये भी चाहती है ना, और ये स्पष्टीकरण तो जनता भी चाहती है, विपक्ष भी तो जनता की आवाज होता है सर। विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है कि जांच हो जाए, आपके हृदय जो है बजट बहुत अच्छा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है, जिंदा है इसको जुबान पे तो ले आइए नेहा जी, कि आज पूरे भारतीय इतिहास में मेरे कहने से हो जाएगा क्या? मेरे कहने से बात नहीं, अगर मैं ये कह दूंगी कि बजट अच्छा है तो बात हो जाएगी क्या? फिर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे क्या? बजट की सच्चाई बहुत कम शब्दों में बता दो, पूरे देश की जनता कह रही है। के लिए मौका दीजिए, हमारे कांग्रेस के मित्र से, हमारे सपा के मित्र से, टीएमसी के मित्र से, अरे जो दिल में है वही जुबान पे भी लाइए। ठीक है जबान पे लेके आइए, लेकिन आप ये बताइए ना, जब ये बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता हमारे साथ है, जनता की आवाज तो विपक्ष होता है, अगर विपक्ष किसी मांग को लेकर लगातार सदन में हंगामा कर रहा है या ये कह रहा है कि नहीं नहीं देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, हमने अगर गलत काम किया है तो हमारा पर्दाफाश हो जाना चाहिए, आपने गलत काम किया है तो आपका पर्दाफाश हो जाना चाहिए, जांच तो बिठाइए, सरकार तो आप ही की है, जांच तो बिठाना आपका ही फर्ज है ना, आप ही बिठाएंगे ना सर, आपसे ही मांग कर सकते हैं, सत्ता पक्ष से ही तो मांग करेंगे, और विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप लोग बार बार बजट की बात कर रहे हैं, बजट पे भी ठीक है, कल पूरे दिन बजट पे चर्चा हुई है, लेकिन आज जब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस तो बार बार ये कहती है ना कि अडानी और अंबानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं छत्रछाया में पल रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। आज तो जब ये रिपोर्ट आई है तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना, हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा ना सर। नहीं नेहा जी देखिए कि ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस की तरह और इनके जो यूपीए सरकार थी सपा, ये जो साथ मिलकर चला रहे थे, जो रसूखदार लोग सरकार को चला रहे थे, अब ऐसी बात नहीं है, अब रसूखदार लोग सरकार को नहीं चलाते थे, कि देश के कुछ ऐसे रसूखदार जो गरीब जनता के पैसे को लूट कर अपने जेब में भरे, वो सरकार नहीं चलाते हैं, ये संविधान के तहत सरकार नहीं बोलेंगे, एजेंसियों को लगेगा सर, आप जांच कराए ना करें लेकिन विपक्ष एकजुट है, सरकार के खिलाफ लामबंद है, 6 फरवरी को प्रदर्शन कर रहा है और वहां पे भी एकजुटता दिखाने का दावा कर रहा है, दम भर रहा है, अब वो
एकजुटता वहां दिखाई देती है या फिर नहीं, या फिर आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है या फिर नहीं, इस पर वाकई हम लोगों की निगाहें रहेगी और पूरे देश की निगाहें रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।